हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड नेचर विथ स्टडी में स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माई सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। यह आप लोगों को बीएड थर्ड सेमेस्टर टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का, जिसमें लेसन प्लान भी बनाना है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी। बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटा ही वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, माइक्रो टीचिंग, और इसकी कितनी स्किल्स होती हैं। ठीक है, फिर बाद में मैं आप लोगों के साथ इसके आगे भी वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें वो स्किल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सब समझाऊंगी। तो आज एक सिर्फ बेसिक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है और इसकी स्किल्स कितने प्रकार की होती हैं और स्किल्स के नाम। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण समझने से पहले आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण समझने से पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो होता है ये 5 से 10 बच्चों का होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्योंकि माइक्रो छोटा है ना, इसलिए इसमें सिर्फ 5 से 10 ही बच्चे लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये टाइमिंग कितना होता है, टाइमिंग भी 5 से 10 मिनट का होता है, 5 से 10 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी विषय वस्तु बहुत छोटी होती है, मतलब आप लोग जब इसका लेसन प्लान बनाएंगे ना, तो वो बहुत ही बहुत छोटी होगी। ठीक है, बहुत ही छोटी होगी, ये नहीं कि आपको बहुत सारे पेज का बनाना है। उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका लेसन प्लान कैसे बनाना है। ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज बता रही हूँ कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थ क्या होता है। ठीक है, अर्थ सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया का एक लघु रूप होता है, मतलब जो वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया है उसका एक लघु मतलब छोटा रूप होता है। ठीक है, यह कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्र अध्यापक को पर्याप्त अनुभव प्रदान करने की एक सरल विधि है। मतलब आप लोग जब कक्षा में जाएंगे तो उससे पहले जो पूर्व छात्र अध्यापक है उनको पर्याप्त अनुभव प्रदान करने की एक सरल विधि है, सिंपल मेथड है। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापकों को 5 से 10 मिनट के समूह में विभक्त कर दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया ना, इसमें आप लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा 5 से 10 बच्चों को, मतलब एक ग्रुप में 5 से 10 बच्चे रहेंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे। और क्रमशः सभी छात्र अध्यापक अपने चयन के अनुसार अध्यापक की भूमिका निभाते हैं। मतलब आपके साथ जो आपके स्टूडेंट होते हैं, पूरा ग्रुप होता है, उसमें 5 से 10 बच्चों का समूह ग्रुप बनाया जाता है। फिर उसमें सभी जो छात्र अध्यापक अपने चयन के अनुसार अध्यापक की भूमिका निभाएंगे, मतलब जैसे फर्स्ट आपका सिलेक्ट आपको किया है, तो आपको खड़े होकर आपको टीचर की भूमिका निभानी है, और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो बच्चों की भूमिका निभाएंगे, मतलब आप खड़े होकर उन्हें पढ़ाएंगे और वो बच्चों की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बार बार सभी का चांस आता रहेगा और सभी लोग रोल प्ले करते रहेंगे और आप लोग स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो शेष छात्र अध्यापक छात्र के रूप में रहते हैं। तो देखिए बाकी जो शेष हैं, शेष जो छात्र अध्यापक हैं वो छात्र के रूप में रहेंगे। यह काल्पनिक विधि है। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशलों से अवगत कराया जाता है, विभिन्न कौशलों का विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अब इसकी परिभाषा समझते हैं, परिभाषा क्या है। तो बी एम शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। मतलब जो बी एम शोर है उन्होंने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, मतलब विधि है। ठीक है, अब चलिए अब आगे हम लोग स्किल्स को देखते हैं, कौशल स्किल्स। तो जो स्किल्स होती हैं कौशल, वो 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 8 प्रकार की होती हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहला होता है श्यामपट्ट कौशल, जिसको बोला जाता है ब्लैक बोर्ड स्किल। फिर दूसरा होता है पुनर्वलन कौशल, जिसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट स्किल। फिर तीसरा होता है व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल।
फिर चौथा होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। फिर पांचवा होता है दृष्टांत कौशल, इल्यूस्टेशन स्किल। ठीक है, फिर छठा है अनुशीलन प्रश्न कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। फिर सेवंथ वाला है व्यवहार अभिज्ञान कौशल, अटेंडिंग बिहेवियर स्किल। फिर आठवां है पाठ समापन कौशल, अचीविंग क्लोजर स्किल। यह आपकी आठ प्रकार की स्किल्स होती हैं, मतलब आठ प्रकार के कौशल होते हैं माइक्रो टीचिंग में। जो आपका माइक्रो टीचिंग का, जो आप माइक्रो टीचिंग में फाइल बनाएंगे पार्ट लेसन प्लान की, वो इसी कौशल के बेस पर बनती है। जो आपका कौशल है ना, ये जो इतने स्किल्स हैं, इसी आठ स्किल्स पर आपको 24 बनाने हैं, 24 लेसन प्लान बनेंगे आपके। मतलब ये जो एक स्किल है इस पर 3 लेसन प्लान, इस पर 3 लेसन प्लान, तो इस प्रकार से 8 दिन 24, तो टोटल 24 लेसन प्लान होगा। तो आपको इस स्किल्स पे 24 लेसन प्लान बनाने हैं। तो आज हमने इसके स्किल्स का अर्थ देख लिया, इसकी डेफिनेशन परिभाषा देख ली, और स्किल्स के नाम देख लिए कितने प्रकार के होते हैं ये देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये जो स्किल्स हैं 8, इस स्किल्स के कंपोनेंट शेयर करूँगी, कंपोनेंट के नाम, वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, ये सब आप लोगों को 2 से 3 वीडियो में पूरा ख़त्म कर लूँगी 8 स्किल्स। ठीक है, तो 2 से 3 वीडियो बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए, जिसमें स्किल्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी कि श्याम पट क्या होता है, पुनर्बलन कौशल, व्याख्या, इन सब का कब किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये स्किल्स का माइक्रो टीचिंग स्किल, ये सूक्ष्म शिक्षण कौशल, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। ओके, ठीक है, तो चलिए बाय।